राज्यातल्या अनेक नेत्यांनी मराठवाड्याच्या दुष्काळाची पाहणी केली. त्यात सत्ताधारी होते, विरोधकही होते. पण व्हायचं तेच झालं. आरोप प्रत्यारोपाच्या या दोन दिवसांच्या फैरी झडल्या आणि त्यानंतर सगळं पुन्हा एकदा शांत झालं. अजून कोणीही मराठवाड्यातल्या दुष्काळग्रस्तांना न्याय देऊ शकलेलं नाही आहे. या नेत्यांमध्ये आणखी एक दिल्लीकर नेत्याची आता भर पडली आहे. हे आहेत योगेंद्र यादव. योगेंद्र यादवांनी मराठवाडा, कर्नाटक, तेलंगणा या सगळ्या भागातल्या दुष्काळाची पाहणी केली आणि अनेक अभ्यासपूर्ण विषयांवर जे त्यांना समजले त्यातून माझाशी संवाद साधताना ते मुद्दे त्यांनी मांडलेत. पाहूयात त्यांची ही मुलाखत. गेल्या 2 ऑक्टोबर पासून योगेंद्र यादव हे दुष्काळाशी सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या संवेदना जाणून घेत आहेत. कर्नाटकातून सुरू झालेला त्यांचा दौरा आता महाराष्ट्र आणि थेट जिथं अवर्षणग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो त्या मराठवाड्यामध्ये येऊन पोहोचलेला. मला त्यांच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे, त्यांनी अनेक शेतकऱ्यांशी संवाद साधलेला आहे, शेतकऱ्यांच्या व्यथा त्यांनी ऐकलेल्या आहेत आणि या सगळ्यानंतर त्यांच्याकडनं काय पर्याय आहेत हे सुद्धा मी त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहेत. स्वतः योगेंद्र यादव आपल्यासोबत आहेत. योगेंद्र यादवजी, आपलं स्वागत आहे एबीपी माझामध्ये. खरं तर महाराष्ट्राने आणि देशानं तुम्हाला एका वेगळ्या फील्डमध्ये पाहिलेलं आहे. कधी आपवर आलेले संकटं तुम्ही दूर केलीत किंवा इतर जी क्षेत्र आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यांनी पाहिलं, का तुम्हाला असं वाटलं की या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आपण म्हणजे त्यांच्या प्रश्नांना हात घातला पाहिजे आणि त्यांच्या संवेदना ज्या तुम्ही जाणून घेतात त्या घेतल्या पाहिजे. जसा आपने ठीक कहा, ये संवेदना यात्रा है. संवेदना का मतलब क्या? जब किसी को दुख होता है हम उसके पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कि इस दुख में तुम अकेले नहीं. आज इस देश के किसान को इसकी जरूरत है. देश में बहुत बड़ा सूखा है. देश के 40% इलाके में 40% जो देश का इलाका है वो सूखे से प्रभावित है. तो आप समझिए कोई 50 करोड़ लोगों पे सूखे का असर है. लेकिन ये बात कहीं हमारे मानसिक पटल पे नहीं है. ये बात मीडिया में उतनी दिखाई नहीं देती. शीना का मर्डर एक राष्ट्रीय त्रासदी है, दिल्ली के डेंगू एक राष्ट्रीय खबर है, बाकी सब चीजें खबर हैं, लेकिन 50 करोड़ लोगों के जीवन पे जो असर हो रहा है ये कहीं हमारे मन मस्तिष्क पे रजिस्टर नहीं कर रहा है. सब तरफ किसान की अवस्था बहुत खराब है, भारी संकट में है, किसान का पैसा डूब गया है. इस सारे इलाके में शुरू में थोड़ी सी बारिश हो गई, मई में जून में कुछ बारिश हो गई, उसकी वजह से किसान की आशा जग गई. उसने पैसा लगा दिया, बो दिया, कपास में खास तौर पे काफी पैसा लग गया और उसके बाद 2 महीना तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई और सब कुछ सूख गया, डूब गया. तो किसान चिंता में है. कई जगह पीने के पानी की समस्या है, पशुधन की समस्या है, लोग पशुओं को बेच रहे हैं, रोजगार की समस्या है, खेत पे रोजगार कम हो गया है और दूसरा कोई रोजगार मिल नहीं रहा है, सरकारें बहुत कुछ कर नहीं रही हैं. तो मैं समझता हूं कि एक चीज जो कॉमन सब में है वो ये है कि सब तरफ एक व्यथा है, पीड़ा है, दुख है और किसानी का संकट है. तीनों प्रदेशों में सुइसाइड हो रहे हैं, कर्नाटका में भी काफी सुइसाइड्स हुए हैं. तो सब तरफ किसानी का संकट है. अंतर 2-3 है शायद, मैं उतना ठीक से समझूंगा नहीं शायद. एक तो ये कि कर्नाटका सरकार ने कम से कम सूखा घोषित कर दिया है, कम से कम स्वीकार किया है कि सूखा है, उसके तहत कुछ काम शुरू हो सकते हैं. तेलंगाना सरकार ने सुसाइड के बारे में एक ऑफिशियल नीति बनाई है जो कि शायद दूसरे राज्यों से बेहतर है, जहां कुछ किया जा सकता है. और तेलंगाना में जैसे नरेगा का काम थोड़ा बेहतर चला है. लेकिन अगर आप मोटा तौर पे मेरे से पूछें तो मैं अब भी कहूंगा कि जितनी बड़ी ये ट्रेजेडी है उस तरह से समाज और सरकार दोनों ही उस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. मनरेगा तुम्ही म्हणताय की हे सगळं फेल झालंय. आता दुसरा जो प्रश्न येतो, नेहमी दुष्काळ पडला की पीक पद्धती बदलायला पाहिजे. दुष्काळ पीक पद्धतीमुळे बोलतो, थेटच विचारायचं झालं तर ऊसाचा जो प्रश्न आहे तो नेहमी दुष्काळ पडला की तो आवासून उभा राहतो की ऊस जो आहे ते पीक जे आहे ज्याला ऊसाचं पीक ते बंद केलं पाहिजे असा एक नेहमी सूर निघतो.
तुम्हाला काय वाटतं या ऊसाच्या पिकाबद्दल? देखिए, बुनियादी सवाल ये है, अगर आपके पास पीने का पानी नहीं है जी, तो आप उस घर में स्नान भी नहीं करेंगे जी। और अगर पीने का पानी नहीं है जी, और कोई उसमें मुनाफे की बात करे जी, तो ये तो संभव नहीं है जी, जी। जो ऊस की फसल है, गन्ने की फसल जी, जी। 1 किलो चीनी बनाने के लिए आपको 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है जी, जी। जिसका मतलब है कि जिस इलाके में सूखा है वहां ये फसल उगाना लोगों के पानी पे डाका डालने की स्थिति है। तो जहां जहां सूखा है और खास तौर पे जिस वर्ष सूखा है वहां तो इस पे प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा, कोई इसका उपाय नहीं है। मराठवाड़ा में अभी भी कोई 2.3 लाख हेक्टेयर इलाके में गन्ने की खेती हो रही है, उसकी खेती हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां पड़ोस में पानी नहीं, अभी उसका जो पानी आ रहा है कोई आसमान से नहीं आ रहा है, वो पानी जमीन से निकाला जा रहा है, वो पानी उन लोगों का पानी है जिनको पीने को नहीं मिल रहा है, तो इस पर तो प्रतिबंध लगाना ही होगा। और ये केवल इस सरकार की बात नहीं है, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की तमाम सरकारें गन्ना लॉबी के सामने झुक जाती है, गन्ना लॉबी के सामने खड़ा होने की उनकी क्षमता नहीं। मैं केवल 2-3 सिंपल बात सुझाव रखना चाहता हूं। पहला ये कि कम से कम मराठवाड़ा में, कम से कम उस इलाकों में जहां पीने के पानी का संकट है या अगले 1-2 महीने में आने वाला है, वहां पे तो गन्ने के खेतों को में पानी खींचना नीचे से ये बैन करना हो। फिर आप कहेंगे उस खेती का क्या होगा, गन्ने का फसल खराब हो जाएगी। समझता हूँ सरकार को उसे खरीद लेना चाहिए और खरीद के उसके पशुओं के चारे में इस्तेमाल कीजिए, चारे की भी जरूरत है वो कीजिए। दूसरा, ये जो वाटर बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जहाँ पानी का संकट है वहां कोई पानी का धंधा करे, मुनाफा कमाए, ये तो संभव नहीं है। तो वाटर बॉटलिंग प्लांट जो है उनको एक्वायर करना चाहिए। सरकार बड़ी बड़ी चीजें एक्वायर करती है, बॉटलिंग प्लांट्स का जो बोर है ये सबसे अच्छी जगह पे लगे हुए हैं, जहां पानी की क्वालिटी सबसे बेहतर है वहां लगे हुए हैं। कम से कम सूखा प्रभावित इलाके में इन्हें एक्वायर करना चाहिए। सिंचनावर तर खूप मोठा खर्च झाला गेल्या काही वर्षात, म्हणजे हजारो कोटींचा आकडा आहे, काय उपयोग झाला नाही दुष्काळात मग या सगळ्यांचा? सुनता मैं भी हूं, उतना असर तो दिखाई नहीं देता, हो सकता है मैं पूरा देख ना पा रहा हूँ, 2-5 दिन में घूमने से सर पता नहीं लगता। लेकिन जिस अंतिम व्यक्ति तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए वहां तो नहीं पहुंच रही। मैं सुनता हूँ इतनी सिंचाई योजनाओं में पैसा लगा हुआ है लेकिन सिर्फ डीसिल्टिंग की वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है, कोई विशाल परियोजना की जरूरत नहीं है, सैकड़ों करोड़ रुपए की एक सिंचाई परियोजना नहीं चाहिए, 50 लाख की, 20 लाख की छोटी योजनाओं की जरूरत है। पाण्यानंतर एक आणखीन एक प्रश्न निर्माण होतो, तो नेहमी दुष्काळ पडला की येतो, कर्ज माफ केलं पाहिजे शेतकऱ्यांचं, 7-12 वर्ष कर्ज हटवलं पाहिजे, हा एक मुद्दा होऊ शकतो का की दुष्काळ निवारणासाठी शेतकऱ्यांना मदत होऊ शकते का यातून? ठीक आहे, कर्ज माफी का मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि अगर एक बार कर्ज माफी हो जाती है तो उसके बाद ग्रामीण बैंकिंग पे इसका असर पड़ता है, बैंक किसानों को कर्जा देना बंद कर देते हैं। तो कर्ज माफी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए पूरी, उसके बारे में तर्क हो सकते हैं, लेकिन 2-1 बातें स्पष्ट हैं। पहला ये कि आज इस फसल के लिए किसानों ने जो कर्ज लिया है, जो कपास वालों ने लिया है जिसमें बहुत पैसा लग जाता है, वो उसे वापस करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो कम से कम ऐसी जगह जहां 100% क्रॉप फेल्योर हो गया है वहां तो सरकार को इस फसल का कर्ज को माफ करने का कोई तरीका निकालना होगा। कम से कम ब्याज माफ कर दीजिए, मूलधन की पेमेंट कुछ साल पोस्टपोन कर दीजिए, कई तरीके हो सकते हैं, केवल कर्ज माफी एकमात्र तरीका नहीं है। दूसरा ये कि कर्ज मिलता रहे, आज किसान की सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि कर्ज माफ हो जाए एकदम, दिक्कत उसकी ये है कि पिछली फसल में पैसा डुबा दिया, उसकी जेब में कुछ पैसा बचा नहीं है,
और अब वो साहूकार से पैसा ले रहा है। कितना इंटरेस्ट रेट है, मैं तो सुन के सन्न रह गया। मैं कर्नाटका से सुनता आ रहा हूँ, साहूकार 3 रुपया सैकड़ा। और हमारे अर्बन व्यूअर्स के लिए हम बता दें कि जब 3% कहते हैं तो इसका मतलब 3% एनुअल नहीं है, इसका मतलब 3% मंथली है, जिसका मतलब है वार्षिक इंटरेस्ट रेट 36% देता है किसान। जे सत्तेत होते ते शेतकऱ्याच्या बांधावर जातात आणि ह्या सगळ्या पुन्हा ज्या आता सत्तेत भाजप आहेत त्यांना ह्या दुष्काळाला दोषी धरतात। विरोधी पक्ष सरकारला दोषी धरतो दुष्काळासाठी आणि सरकार दाखवतं की आम्ही काहीतरी करतो, या पलीकडे का काही होत नाही? यही दिक्कत है, जब विपक्ष में होते हैं तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बातें कह देते हैं, 302 दाखिल कर दो और ये सब कर दो। और जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो बिल्कुल सरकार की अफसरों की भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि आज उस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें हमें नहीं करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र के लोगों का फर्ज है, जो भी राजनीतिक विरोध रहा हो, किसी ने वोट दिया हो किसी ने नहीं दिया हो, आज वो मुख्यमंत्री है, आज उसकी जिम्मेवारी है और आज उससे आशा करनी चाहिए। मैं एक चीज बताना चाहता था, कल मैं लातूर में था, मुझे उस यात्रा के अंत में एक आया मजदूर था, किसान भी नहीं मजदूर था, उसने एक चिट्ठी दी। मैं उस चिट्ठी के, ये हिंदी में लिखी है लेकिन मराठी युक्त हिंदी है, उसने चिट्ठी दी, उस चिट्ठी के 2-4 अंश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये चिट्ठी लिखा है नंद कुमार कुशालगिरी, ये सोनवती गांव के हैं लातूर जिले से। वो कहते हैं, देखिए आप हम सब बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठ के कागज पे करते रहते हैं, वो ये कहता है कि मेरे बच्चे स्कूल को जाते हैं, पेन या बही लिखनी वो नहीं बोलते, हमारे को काम हाथ को नहीं तो कैसा हम पैसा उनको देंगे। यादव साहब तुम हमारे घर की दशा देखते तो क्या कहने लगते, तो बच्चे हमारे को सुबह से शाम तक रोने लगते हैं। साहब हमारे घर में दोनों के झगड़े हर दिन 2-3 बार होते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन उनको राशन पानी की बहुत जरूरत है, काम के वास्ते लातूर आना जाना 80 रुपया दिन का लगता है और काम सिर्फ 3 या 4 दिन महीने में मिलता है। नाना पाटेकर का जो नाम फाउंडेशन है उसे कुछ दिनों में 7 करोड़ मिलते हैं और सरकारी जो फंड है उस पे इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। ये नाना पाटेकर जी ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने तो फोन करके उन्हें बधाई दी इस चीज के लिए और मैं समझता हूँ कि वो एक मिसाल है जैसे पूरे समाज को आना चाहिए। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र का समाज जिस स्तर पे कर सकता है, जितनी गहरी परंपरा है यहाँ वॉलंटरी काम करने की, अभी उस स्तर पे हुआ नहीं है। महाराष्ट्र का समाज अगर खड़ा हो जाए तो बहुत कुछ और कर सकता है। तुम्ही समाजाबद्दल बोलला परंतु ज्यांच्याकडे खास करून अपेक्षा असते, जे बघतो शेतकरी असेल किंवा सर्वसामान्य व्यक्ती असेल, ज्यावेळेस संकट येतं त्यावेळेस सरकार आठवतच, म्हणजे सामान्य लोक तर मदतीला येतीलच, परंतु आत्ताची स्थिती अशी आहे की नेहमी ज्यावेळेस संकट येतं दुष्काळाचं त्यावेळेस एक राजकारणी नाव पुढे येतं, ते म्हणजे शरद पवार, ज्यांच्याकडे नेहमी असं म्हटलं जातं, आताही काही दिवसांपूर्वी असं वातावरण झालं की आता जो महाराष्ट्राचा दुष्काळ आहे त्याला शरद पवार जबाबदार आहेत। तुम्हाला असं वाटतं शरद पवार या सगळ्याला जबाबदार आहेत किंवा या सगळ्यात शरद पवारांनी 10 वर्ष त्यांच्याकडे सत्ता होती किंवा कृषी मंत्री पद त्यांच्याकडे अनेक वर्ष होतं, त्याच्यात त्यांनी काही केलं नाही त्यामुळे हे सगळं होतं? एक बात कहूं, राजनीति का विश्लेषण करना मेरा काम रहा है, मैंने लिखा है किया है, लेकिन अभी वो घड़ी नहीं है। घर में जब आग लगती है तो हमारा कोई दुश्मन हो, कोई शराबी भी रहा हो, उसके हाथ में भी हम बाल्टी पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि पानी डालो। अभी पानी डालने का वक्त है, अभी विश्लेषण करने का दोष का वक्त नहीं है। ये जरूर है कि जिस प्रदेश के पास कृषि मंत्री इतने वर्ष रहा हो उस प्रदेश में ये स्थिति हो ये तो शुभ संकेत नहीं है। जिस प्रदेश ने पूरे देश को योजनाएं दी हो उस प्रदेश में ये स्थिति है ये तो शुभ संकेत नहीं है। तुम्ही हा मराठवाड्याचा दुष्काळ तुम्ही पाहिलेला आहे, तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी जिथे जाता तिथे मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिता, महाराष्ट्र सरकारला तुम्ही काय सांगणार आहात या तुमच्या दौऱ्यामधून? आज शाम को जब दौरा खत्म हो जाएगा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे
और जैसे मैंने कहा, आरोप की चिट्ठी नहीं, सुझाव की, क्या क्या किया जा सकता है, और एक दो अगर अच्छा काम किया तो प्रशंसा करनी चाहिए सरकार की, और अगर टैक्स लगा के सरकार कुछ पैसा इकट्ठा कर रही है, अच्छी बात है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक अनुरोध तो जरूर करेंगे कि सूखे की औपचारिक घोषणा होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। दूसरा, पीने के पानी के संकट के लिए इमरजेंसी मेजर किए जाने चाहिए, और अगर उसके लिए गन्ना लॉबी को नाराज करना पड़े, इतना साहस तो होना चाहिए। तीसरा, पशुओं के चारे की व्यवस्था अभी से करनी चाहिए, ताकि संकट अगर दिसंबर के महीने में आए तो हम उसके लिए तैयार हों। आग लगने के बाद कुआं खोदना कोई समझदारी की बात नहीं है। चौथा, किसान को कर्ज आसानी से उपलब्ध हो, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। छठा, जो मुआवजा पिछले साल की फसलों के नुकसान का मुआवजा तुरंत और बहुत जल्दी मिलना चाहिए, ताकि अगली फसल के लिए किसान उसका इस्तेमाल कर सके। एवढ्या प्रदीर्घ तुमच्या व्यस्त वेळातून तुम्ही एबीपी माझाला वेळ दिलात, आणि मनमोकळ्या पद्धतीने तुमचे विचार, तुम्ही जे अनुभवलं ते आमच्या सोबत शेअर केलं, आणि या सगळ्याबद्दल एबीपी माझ्याकडनं तुमचे खूप खूप आभार, आणि तुमच्या भविष्याच्या यात्राला आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा। देव करो, आणि तुमचे जे तुम्ही जे सुझाव पाठवणार आहात, तुम्ही ज्या सूचना सरकारला करणार आहात, त्याचा विचार या सरकारने करावा, आणि जी सामना करते जनता, सर्वसामान्य व्यक्ती जो दुष्काळाशी सामना करतोय, त्यांना तुमच्या यात्रेतून थोडा बहुत फायदा व्हावा, हीच अपेक्षा आपण करूयात। खूप खूप आभार तुम्ही आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल। ये भी उम्मीद करें कि थोड़ा बारिश बेहतर हो जाए।